कोरोना वायरस से खौफ में अस्पताल, मरीजों को दवाई खाना परोस रहे हैं रोबोट। चीन अपने अस्पतालों में नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को खाना और दवाइयां परोसने के लिए रोबोट का सहारा ले रहा है। सामान्य लोगों में कोरोना वायरस फैलने के डर से अस्पताल प्रशासन ऐसा कर रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक ट्विटर यूजर ने सोशल साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि चीन के अस्पताल में रोबोट वायरस से पीड़ित मरीजों को खाना और दवाइयां दे रहे हैं। वहीं डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के एक अस्पताल में कोरोना वायरस से ग्रस्त रोगियों को खाने में कछुए का मांस दिया जा रहा है, जबकि डॉक्टर समुद्री जीवों को न खाने की चेतावनी पहले ही जारी कर चुके हैं। अस्पताल में रोगियों को खाने में कछुए का मांस देने वाला ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।